बोलिए गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज की। भक्तों, देव गजानन भक्त जनों के रखवाले हैं, और जब जब उनके भक्तों पर विपदा पड़ती है तब तब गणपति बप्पा अलग अलग रूप धरकर धरा पर आते हैं तथा अपने भक्तों के समस्त कष्टों को मिटाते हैं। आइए आज मैं आपको भगवान श्री गणेश जी के 8 अवतारों की संगीत में कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि कैसे गणपति बप्पा ने अलग अलग रूप धारण किए और अपने भक्तजनों की तथा देवी देवताओं की रक्षा की। तो एक बार फिर मेरे साथ प्रेम और श्रद्धा मन में लिए एक बार फिर बोलिए बोलिए देवता गजानन भगवान की। सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। आओ सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। ये वेदों की है वाणी, ऋषि मुनियों ने बखानी। आओ सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। आओ सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। आइए भक्तों, भगवान गणेश के 8 अवतारों की पावन गाथा सुनते हैं। देव गजानन का प्रथम अवतार वक्रतुंड रूप का है। भक्तों, देवा ने यह अवतार मत्सरासुर का वध करने हेतु धारण किया था। मत्सरासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर अनेक अनेक वरदान प्राप्त किए थे और अपने बल के अनुसार उसने स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया था। तब देवों के आह्वान पर देवा ने वक्रतुंड का रूप धारण किया और मत्सरासुर तथा उसके पुत्रों का वध किया तथा देवी देवताओं के कष्टों का हरण किया। ऐसे ही भक्तों, अपने दूसरे अवतार में बप्पा ने एक दंत का रूप धारण किया और मदासुर का अंत कर देवी देवताओं के कष्टों का हरण किया। सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान गणपति गणेश की जय जयकार बुलाई। वन वक्रतुंड देवा मत्सरासुर को मारा। वन वक्रतुंड देवा मत्सरासुर को मारा। और एक दंत बन के है मदासुर संघारा। देवों की रक्षा कीनी, कीर्ति सभी बखानी। आओ सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। अपने तीजे अवतार में गणपति गणेश महाराज ने महोदर का रूप धारण किया था। भक्तों, नाम के अनुसार इस अवतार में देवा का बहुत बड़ा पेट है तथा ये मूषक की सवारी करते हैं। जब मोहासुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई करी तब सभी देवी देवताओं के आह्वान पर देवा ने मोहासुर से युद्ध कर उसे हरा कर अपने अधीन कर लिया था। भक्तों, देवा का चतुर्थ अवतार है गजानन अवतार। जब लोभासुर से युद्ध करने देवा आए तो लोभासुर ने उनकी शक्ति को देखकर बिना युद्ध करे ही उनके चरणों में समर्पण कर दिया तथा पराजय स्वीकार कर
भगवान श्री गणेश की आधीनता स्वीकार की। महोदर का रूप धारा मोहासुर हराया, महोदर का रूप धारा मोहासुर हराया, गजानन से हार मानी लोभासुर शरण में आया, असुरों ने क्षमा मांगी आधीनता भी मानी। आओ सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। अपने पंचम अवतार में गणपति गणेश भगवान ने लंबोदर का रूप धारण किया और देवों पर अत्याचार करने वाले क्रोधासुर को युद्ध में परास्त कर उसे सदा सदा के लिए पाताल लोक भेज दिया। अपने छठे अवतार में भगवान श्री गणेश जी ने विकट का रूप धारण किया था भक्तों, और मोर की सवारी कर शिव से वरदान प्राप्त किए हुए कामासुर का वध कर उसके अत्याचारों का अंत कर दिया था। देवी देवताओं ने एक बार फिर गौरी नंदन भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम कर उनकी जय जयकार की। लंबोदर बने तो क्रोधासुर को हराया, मन जब विकट है देवा कामासुर मिटाया, मन जब विकट है देवा कामासुर मिटाया, असुरों ने घुटने टेके और हार अपनी मानी। अपने सप्तम अवतार में भगवान गणपति गजानन ने विघ्नराज का रूप धारण किया था भक्तों, और जब ममासुर ने अपने बल से सभी देवी देवताओं को अपना बंदी बनाकर उन्हें कैद कर लिया था, तब विघ्नराज रूप में देवा ने असुर को परास्त कर देवों को उसकी कैद से मुक्त कराया था। अपने अष्टम अवतार में भगवान श्री गणेश ने धूम्रवर्ण का रूप धारण किया और महाशक्तिशाली दैत्य अहंतासुर का अंत कर देवी देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया था। तो आइए भगवान श्री गणेश के आठों अवतारों की जय जयकार करें। बोलिए गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश जी महाराज की। बने आप विघ्न राजा ममासुर को था हराया, बने आप विघ्न राजा ममासुर को था हराया, और धूम्रवर्ण बन के अहंतासुर मिटाया, चंदन तिलक ने देवा महिमा तो है बखानी। आओ सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। श्री गणेश
ईश प्रथमेश तुम्ही हो, गणों के ईश गणेश तुम्ही हो, शिवजी पार्वती के दुलारे, बुद्धि के दाता अष्ट विनायक, श्री गणेश जग के सुखदायक, सबके बिगड़े काम बनाए, देव ऋषि सभी करते वंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, तीनों लोक के भाग्य विधाता, रिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी, श्री गणेश प्रभु अंतर्यामी, शुभ लाभ है पुत्र तुम्हारे, सभी जनों को लगते प्यारे, मोदक प्रिय है मुषक सवारी, गणाध्यक्ष प्रभु मंगलकारी, एक दंत शशि भाल गजानन, पे स्वर्ण मुकुट अति प्यारी, तुम हो स्वामी चतुर्भुज धारी, कर में परसु कमल कुठार, मदासुर उत्पात मचाया, इंद्र को युद्ध में उसने हराया, स्वर्ग में आधिपत्य जमाया, देवता ऋषि मुनि सभी पुकारे, आन हरो प्रभु कष्ट हमारे, श्री गणेश ना देर लगाओ, मदासुर से हमें बचाओ, देवताओं की सुन के पुकार, आपने प्रभु लिया अवतार, एक दंत के रूप में आए, क्रोधित रूप देख घबराया, असुर मदासुर शरण में आया, बोला चूक क्षमा कर दीजे, हमको अपनी शरण में लीजे, श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, सबके कारज सिद्ध करो देहु अभय वरदान, श्री गणेश प्रभु दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, श्री गणेश का गुण जो गाते, लक्ष्मी जी की कृपा हो पाते, जया विजया गौरा की सहेली, जल क्रीड़ा करते समय दोनों बोली, अनजाने में कोई पुरुष जो आए, सुरक्षित नहीं असनानागार, कोई नहीं है पहरेदार, जया विजया ने जब समझाई, माँ ने गणेश की मूर्ति बनाई, उमा ने मूर्ति में डाले प्राण, प्रकट हुए गणेश भगवान, उमा ने पुत्र को दे वरदान, दरवाजे पर उन्हें बिठाया, हाथ में उनके छड़ी थमाया, बोली सुन लो ध्यान लगाए, माता जी का सुन आदेश, द्वारपाल बन गए गणेश, भीड़ जुटी कैलाश पे भारी, पार्वती को जाकर लाओ, जाओ तनिक न देर लगाओ, शंकर जी का सुन आदेश, नंदी संग चल दूत विशेष, स्नानागार के पास में आए, श्री गणेश को द्वार पे पाए, दूत बोले अंदर जाने दो, यदि करना चाहे तू प्रवेश, क्रोधित होकर बोले गणेश, अंदर तुम्हें न जाने दूंगा, ललकारे माँ गौरी के सुत, क्रोधित हो गए शिव के दूत, बाल गणेश जी छड़ी उठाए, क्रोधित श्री गणेश से पाया न कोई पार, एक एक कर दूतों का करने लगे संहार,
मूर्छित कर देवों को गिराए, अंत में शिव जी त्रिशूल चलाए, कटाशीष मचा हाहाकार। कुपित हो गई पार्वती माता, सारे जग की भाग्य विधाता, देख के सभी देव घबराए, भेद हृदय का अपने खोली, क्रोध में पार्वती माँ बोली, यदि जीवित नहीं हुए गणेश सबका कर दूंगी संहार, महाप्रलय को रहो तैयार, ब्रह्मा विष्णु महेश जी आए, हाथी का सिर काट के लाए, श्री गणेश के धड़ में लगाए, जीवित हो गए श्री गणेश। सब देवों ने दिया वरदान, प्रथम पूज्य हुए वीर बलवान, श्री गणेश का धरते ध्यान, दिन दुखियों के भाग्य विधाता, श्री गणेश जी सब सुख दाता, सब पे प्रभु जी कृपा बरसाते, जो भी लेते गणेश का नाम, बनते उनके बिगड़े काम, सबसे बड़े हैं गणपति देवा, एक दंत शशि भाल गजानन, विघ्न विनाशक शुभ गुण कानन, पिंगल नयन विशाल शुंड धर, काम क्रोध मद लोभ को मारे, श्री गणेश भक्तों को तारे, जो भी करते इनकी भक्ति, विघ्न हरता प्रभु आप हैं, काटे सकल कलेश, सारे कार्य को सिद्ध करे गौरी पुत्र गणेश, वक्र तुंड है प्रथम विनायक, श्री गणेश देवों के नायक, प्रकट हुए ले शेर सवारी, द्वितीय विनायक है एक दन, जिनका नहीं कोई आदि अन, श्री गणेश की महिमा न्यारी, महोदर रूप है तृतीय विनायक, भक्त जनों के मंगलदायक, महोदर मोहासुर को मारे, चौथे विनायक देव गजानन, जो भी इनका करते दर्शन, उनको लोभ कभी न सताए, भक्त जनों को शुभ फलदायक, लंबोदर हैं पंच विनायक, ऋषि मुनियों के क्रोध को हरते, छठवां रूप विकट कहलाए, मोर पे आसन प्रभु लगाए, कह गए सभी ऋषि मुनि संत, सातवां विघ्न राज कहलाते, माया मोह को तन से मिटाते, सुंदर रूप लगे मन भावन, धूम्रवर्ण अष्टम अवतार, सारे जग के पालनहार, भक्तों को देते हैं ज्ञान, करके भक्ति गणेश मनावे, मन वांछित फल भोजन पावे, अमृत धारा की महिमा भारी, अमृत धारा जो सुने सुनाए, उनके कष्ट दूर हो जाए, श्री गणेश की जो आरती गाए, विघ्न हरण मंगल करण, श्री गणपति महाराज, दिल से पुकारो आपको, पूर्ण करो मेरे काज।
बुधवार है, श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार है, श्री गणेश को जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। गौरी पुत्र गणेश है, गौरी पुत्र गणेश है, विघ्न विनायक मंगलदायक, गौरी पुत्र गणेश है, गौरी पुत्र गणेश है। सबसे पहले पूजे जाते श्री गणेश प्रथमेश है, गणेश प्रथमेश है, आपकी जय जयकार है, श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार है, श्री गणेश को जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सुखदाता कार्तिक भ्राता, आपके पिता महेश हैं, आपके पिता महेश हैं, काम क्रोध मद लोभ कुमारे हरते सकल कलेश हैं, महिमा अपरंपार है, श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार है, श्री गणेश को जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। स्वामी देवा रूप चतुर्भुजधारी हो, रूप चतुर्भुजधारी हो, शुभ और लाभ है पुत्र तुम्हारे, संतन के हितकारी हो, लंबोदर अवतार है, श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार है, श्री गणेश को जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। स्वर्ण मुकुट से गले पुष्प की माला है, गले पुष्प की माला है, चंदा ललाट पे चम 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 के तन पे पीताम्बर डाला है, बुद्धि का भंडार है, श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार है, श्री गणेश को जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार।
तुमने देवों से संग्राम किया, देवों से संग्राम किया। शीश कटा दी तुमने लेकिन झुकने का नहीं नाम लिया, झुकने का नहीं नाम लिया। माँ का पहरेदार है श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार है, श्री गणेश को जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। जानन प्यारे है गिर जाके दुलारे, आओ गजानन प्यारे है गिर जाके दुलारे। सब देवन में देव कहाए, सब देवन में देव कहाए, पूजूं 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 मैं चरण तुम्हारे गिर जाके दुलारे। हरी हरी दुर्वा तुमको चढ़ाए, हरी हरी दुर्वा तुमको चढ़ाए, चंदन 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 झूला डारे ओ गिर जाके दुलारे। लड्डूवन का हम भोग लगाए, लड्डूवन का हम भोग लगाए, पलक 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 पाँव पर डारे गिर जाके दुलारे। आसन लगाए, तुमको मनाए आसन लगाए, भक्त 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 तुमको पुकारे गिर जाके दुलारे।
कीर्तन है। मेरे गणपति आ जाओ, मेरे घर पूजन है, मेरे घर कीर्तन है, मेरे गणपति आ जाओ। रिद्धि सिद्धि के संग में, रिद्धि सिद्धि के संग में, शुभ लाभ को भी लाओ, मेरे घर पूजन है, मेरे घर कीर्तन है, मेरे गणपति आ जाओ। मेरे घर पूजन है, सबसे पहले गणपत मैंने तुम्हें पुकारा है, सबसे पहले गणपत मैंने तुम्हें पुकारा है। तकदीर बदलने तुम, तकदीर बदलने तुम, एक बार तो आ जाओ, मेरे घर पूजन है, मेरे घर कीर्तन है, मेरे गणपति आ जाओ। मेरे घर कीर्तन है, मेरे गणपति आ जाओ। शुभ मंगल करता तुम, विघ्न के हरता तुम, शुभ मंगल करता तुम। लड्डूवन का थाल सजा, लड्डूवन का थाल सजा, प्रभु भोग लगा जाओ, मेरे घर पूजन है, मेरे घर कीर्तन है, मेरे गणपति आ जाओ। मेरे घर कीर्तन है, मेरे गणपति आ जाओ। मुझको दर्शन देकर, धन्य करो प्रभु जी, मुझको दर्शन देकर,
मैंने दिल से पुकारा है, मैंने दिल से पुकारा है, एक झलक तो दिखलाओ। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, राम जी की धुन में श्री राम जी की धुन में, राम जी की धुन में श्री राम जी की धुन में, मोदक भोग लगाओ श्री राम जी की धुन में, मोदक भोग गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो संग में रिद्धि सिद्धि लाओ, 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 सुख आनंद बरसाओ श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, हनुमत आज पधारो देवा पवन वेग से आओ, 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 बल बुद्धि दे जाओ श्री राम जी की धुन में, बल बुद्धि दे गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, ब्रह्मा जी पधारो माता ब्रह्माणी को लाओ, 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 वेद ज्ञान समझाओ श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, नारद आज पधारो छम 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 कर ताल बजाओ, नारद आज पधारो छम 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 कर ताल बजाओ, नारद आज पधारो छम 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 कर ताल बजाओ, नारद आज पधारो छम 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 कर ताल बजाओ, नारायण गुण गाओ श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, प्रेम मगन हो जाओ भक्तों राम नाम गुण गाओ, प्रेम मगन हो जाओ भक्तों राम नाम गुण गाओ, प्रेम मगन हो जाओ भक्तों राम नाम गुण गाओ, प्रेम मगन हो जाओ भक्तों राम नाम गुण गाओ, भक्ति में खो जाओ श्री राम जी की धुन में, भक्ति में गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। प्रिय भक्तों, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश सभी देवी देवताओं में जिनकी पूजा
सर्वप्रथम की जाती है और जो अपनी बुद्धिमता और चतुराई के लिए जाने जाते हैं। हमारी आज की ये कहानी उनकी उसी बुद्धिमता के बारे में है जिसमें ये साबित होता है कि उनके जितना बुद्धिमान शायद कोई और नहीं। भगवान भोलेनाथ के दोनों सुपुत्र भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश जैसे ही युवा अवस्था में पहुंचते हैं, उनके बीच एक छोटा सा विवाद हो जाता है और वो विवाद था शादी का। विवाद सिर्फ इतना था कि पहले शादी किसकी होगी, कार्तिकेय की या गणेश की। भगवान शंकर ने एक शर्त रखी और उस शर्त को भगवान गणेश अपनी बुद्धिमता से कैसे जीतते हैं, आइए सुनते हैं। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, मंगल करता विघ्न विनाशक, मंगल करता विघ्न विनाशक, शिव जी की संतान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। शादी किसकी हमने है नियम बनाए, पहले हो शादी किसकी हमने है नियम बनाए, दोनों प्राणों से प्यारे ओ मेरे राज दुलारे, सुन लो तुम शर्त हमारी जो जीते बाजी मारे, सुन लो तुम शर्त शंभु, कैसी शर्त रखे मेरे शंभु, सुनो लगा कर ध्यान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। श्रोताओं, शर्त ये थी कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो भी पहले आ जाएगा शादी उसी की होगी। ये सुनते ही कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, मगर गणेश जी वो सोच में पड़ गए कि मेरा भारी भरकम शरीर और मेरी मूषक की सवारी, उसके साथ मैं इस पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा और वो भी पहले। तब गणेश जी ने चतुराई से काम लिया और अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए क्या किया, आइए सुनते हैं। गजानन घर को आए, तनिक ना देर लगाए, वो आसन सुंदर बिछा कर पिता माता को बिठाए, झुकाए वो छप्पन भोग लगाए, पिता माता की परिक्रमा करके गणपति हर्षाए, पिता माता की परिक्रमा करके गणपति हर्षाए। शुभ विवाह पहले हो मेरा, शुभ विवाह पहले हो मेरा,
सोचते हैं और फिर अपने माता पिता जी की विधिवत पूजन करके दोनों की सात बार परिक्रमा करते हैं और कहते हैं, लीजिए मेरी परिक्रमा तो हो गई। तब शंकर जी पूछते हैं, पुत्र गणेश तुम्हारी परिक्रमा कैसे हो गई? कार्तिकेय तो अभी आया भी नहीं और तुमने सात बार परिक्रमा कर ली और वो भी इस पृथ्वी की। तो पुत्र तुम जल्दी जाओ और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जल्दी आओ। अगर कार्तिकेय पहले आ गया तो उसकी शादी पहले हो जाएगी। फिर तुम मुझसे मत कहना कि पिताजी आपने कार्तिकेय की शादी पहले कर दी, मैं वचनबद्ध हूँ बालक। ये सुनकर भगवान श्री गणेश अपनी बुद्धि का फिर से इस्तेमाल करते हैं और आगे क्या कहते हैं आगे की कथा में हम आपको सुना रहे हैं। गजानन बोले, पिताश्री बात ये मेरी सुनिए, झूठ नहीं बोल रहा मैं, मेरा विश्वास कीजिए। झूठ नहीं बोल रहा मैं, मेरा विश्वास कीजिए। पिता माता की परिक्रमा जो कोई करके आए, पूरी धरती की परिक्रमा का फल वो पल में पाए। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। प्यारे भक्तों, माता पिता के प्रति भगवान श्री गणेश का ये प्यार देखकर भगवान शंकर उनकी बातों को कैसे टालते। वो गणेश की शादी पहले करने के लिए राजी हो गए। भगवान शंकर ने भी सोचा, पुत्र गणेश की बात एकदम सही है, तीनों लोकों में माता पिता से बढ़कर और कोई ईश्वर है ही नहीं। जो माता पिता को पूजते हैं उनको किसी ईश्वर की जरूरत नहीं। जो बच्चे अपने माता पिता को प्रेम देते हैं, भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। और इसके बाद भगवान शिव ने तुरंत विश्व रूपा जी को बुलवाया और उनकी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश की विवाह की तैयारी शुरू कर दी। और जैसे ही ये बात तीनों लोकों में पता चली, सारे देवी देवता खुशी से झूम उठे और अंबर से फूल बरसाने लगे। आखिर भगवान भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी की शादी होने जा रही थी। भगवान भोलेनाथ की ओर से सभी देवी देवताओं को नेह निमंत्रण भेजा गया कि आप सभी आए और वर वधु को अपना आशीर्वाद दें। और इधर रिद्धि और सिद्धि भी अपना विवाह भगवान श्री गणेश के साथ तय हुआ सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आय हाय हाय, आखिरकार भगवान श्री गणेश उनके पति जो बनने जा रहे थे। देव दानव सब आए, अप्सरा नृत्य दिखाए, शादी की हुई तैयारी, सज रहे गणपति प्यारे। शादी की हुई तैयारी, सज रहे गणपति प्यारे। दूल्हा बन गणपति आए, रिद्धि सिद्धि मन भाए, शादी संपन्न हो गई, देवता फूल बरसाए। शादी संपन्न हो गई, देवता फूल बरसाए। रिद्धि सिद्धि को पाकर हर्षित, रिद्धि सिद्धि को पाकर हर्षित हुए गणेश भगवान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन
से हमें भगवान श्री गणेश जी की बुद्धिमता का पता तो चला ही, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता चला कि भगवान श्री गणेश ने भी इस पूर्ण सृष्टि से भी ऊपर अपने माता पिता को रखा। और जो लोग अपने माता पिता को भगवान से ऊपर रखते हैं, भगवान उन्हें अपने दिल के करीब रखते हैं। और इसीलिए हम सबको भी अपने माता पिताजी की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। पति बप्पा
गजानन तुम्हें मनाते हैं। गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। पार्वती के लाला, पार्वती के लाला, मूषक वाहन दूंद दुंदाला, मूषक वाहन दूंद दुंदाला। आओ पार्वती के लाला, मूषक वाहन दूंद दुंदाला, जब तुम्हारे नाम की माला, जब तुम्हारे नाम की माला, ध्यान लगाते हैं गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। उमापति शंकर के प्यारे, उमापति शंकर के प्यारे, सब भक्तों के काज सवारे, सब भक्तों के काज सवारे। उमापति शंकर के प्यारे, सब भक्तों के काज सवारे, भक्तों के संग पापी भी तारे, भक्तों के संग पापी भी तारे, जो शरण में आते हैं गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। लड्डू पेड़ा भोग लगावे, लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी फूल चढ़ावे, पान सुपारी फूल चढ़ावे। लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी फूल चढ़ावे, हाथ जोड़ सब करे वंदना, हाथ जोड़ सब करे वंदना, भोग लगाते हैं गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। सूंड है लंबी कान है चौड़े, सूंड है लंबी कान है चौड़े, भक्तों के घर आते दौड़े दौड़े, भक्तों के घर आते दौड़े। सूंड है लंबी कान है चौड़े, भक्तों के घर आते दौड़े, लगते प्यारे सोने सोने, लगते प्यारे सोने सोने, पार लगाते हैं गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें
सा आसन सजाया, स्वागत में घी का दिया है जलाया, स्वागत में घी का दिया है जलाया, फूलों से सुंदर सा आसन सजाया, स्वागत में घी का दिया है जलाया, स्वागत में घी का दिया है जलाया, लड्डू प्रभु बरसा जाओ, कीर्तन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ। दर्शन की आस लिए अपने मन में मगन हुए सारे भक्ति भजन में, मगन हुए सारे भक्ति भजन में, दर्शन की आस लिए अपने मन में मगन हुए सारे भक्ति भजन में, बुझ जाए बुझ जाए नैनों की प्यास की तरस दिखा जाओ, कीर्तन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ, बस इतनी कृपा करो मेरे देवा, करते रहे हम सदा तेरी सेवा, करते रहे हम सदा तेरी सेवा, बस इतनी कृपा करो मेरे देवा, करते रहे हम सदा तेरी सेवा, अरज करे रविराज हृदय।